तो अभी तक हमने क्या करा, हमारा जो आया था हमने देखा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या हो गया, ये वन हो गया, टू साइन ए प्लस वन प्लस वन, तो वन प्लस वन टू हो गया, प्लस टू साइन ए अपॉन जो नीचे है सेम एज इट इज़ कर दिया। अब हम क्या करेंगे, टू प्लस टू है, अब इसमें से हम टू जो है टू कॉमन ले लेते हैं, टू कॉमन आ गया, रह गया हमारे पास वन प्लस साइन ए अपॉन वन प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। तो देख सकते हो यहाँ पे वन प्लस साइन ए से वन प्लस साइन ए कैंसिल हो जाएगा, रह जाएगा हमारे पास टू अपॉन कॉस ए। तो कॉस ए हमें पता है, अगर हम इसे उसमें करें टू इंटू वन बाय कॉस ए, तो कॉस ए क्या होता है, कॉस ए जो होता है वो सेके का इन्वर्स है, तो हमारा आंसर आ जाता है टू सेके। तो इस तरीके से हमने देखा किस तरीके से हमारा क्वेश्चन हम एल एच एस आर एच एस प्रूफ कर रहे थे, ठीक है। तो हमारा सॉल्व हो गया है, यहाँ देख सकते हो हमने क्या करा, कॉस ए में पहले हमने इसका एलसीएम लिया, एलसीएम लेने पे क्या हुआ, जब एलसीएम लिया हमने तो इसको फिर इससे डिवाइड करा, फिर ऊपर कॉस ए आ गया यहाँ पे, मतलब इंटू कॉस ए कॉस स्क्वायर ए हो गया, प्लस वन प्लस साइन ए की होल स्क्वायर, इसमें हमने फॉर्मूला लगाया ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी की स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगा दिया। और फिर ये अब हमने क्या करा, साइन स्क्वायर वाली और कॉस स्क्वायर वाली टर्म एक तरफ कर दी और साथ में बाकी जो टर्म्स थी वो अलग कर दी। तो हमने देखा कि हमें ये जो फॉर्मूला है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए ये क्या होता है, वन होता है, प्लस टू साइन ए प्लस वन प्लस वन। अब उसके बाद हमने क्या करा, देखा कि वन वन क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा, प्लस टू साइन ए नीचे क्या है, वन प्लस साइन ए इंटू कॉस ए है, वन प्लस साइन ए इंटू कॉस ए है। अब क्या आया, हमने जब इसमें से टू कॉमन ले लिया, टू कॉमन ले लिया, रह गया हमारे पास वन प्लस साइन ए, तो साइन वन प्लस साइन ए रह गया अपॉन वन प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब क्या होगा, वन प्लस साइन ए से वन प्लस साइन ए कैंसिल हो जाएगा, रह जाएगा हमारे पास टू अपॉन कॉस ए, तो ये हो जाएगा टू बाय कॉस ए। तो जो वन बाय कॉस ए किसका इन्वर्स होता है, साइके का, तो हमारा आंसर आ जाता है टू कॉस ए। और हमें क्या प्रूफ करना था, हमें यही प्रूफ करना था कि ये एल एच एस जो है वो आर एच एस के इक्वल है या नहीं है।